हेलो फ्रेंड, गर्मी की सीज़न आ चुकी है और गर्मी की सीज़न ना हो और आइसक्रीम ना हो, ये हो ही नहीं सकता। और अभी मार्केट में एक फ्लेवर मिल रही है, डे नाइट, जो कि डबल कलर में और डबल फ्लेवर में होता है। मैंने आज वो आइसक्रीम बनाने की कोशिश की है, पहली बार बना रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन रेसिपी देखने से पहले हैंड टू हार्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और छोटा सा बेल आइकन प्रेस करने से आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी। आइसक्रीम के लिए सबसे पहले चाहिए हमें दूध। यहाँ पर मैंने 600 ml जितना दूध लिया है, जिसको उबालने के लिए रख दिया है गैस पर। जब ये उबलने लगे तो इसमें ऐड कर देंगे हम शुगर। शक्कर के बिना तो आइसक्रीम अच्छा ही नहीं लगता। पर टेस्ट शक्कर ऐड कर देंगे हम। यहाँ पर मैंने आधा कप ऐड किया है और अब इसको हम उबालेंगे जब तक कि इसमें से करीब 100 ग्राम जितना दूध कम ना हो जाए। करीब 500 ग्राम जितना दूध रहेगा तो ये उबल कर रेडी है। इसको हम ठंडा करेंगे। अब जितना दूध है उससे आधा क्रीम लेंगे हम। ये व्हिप्ड क्रीम लिया है मैंने, जिसको ऐड कर देंगे हम दूध में। करीब एक कप दूध है तो हम आधा कप क्रीम ऐड करेंगे इसमें। वेनिला एसेंस ऐड कर दिया, करीब 6 से 7 बूंद, और इसको हम ब्लेंड करेंगे ब्लेंडर की मदद से, ताकि क्रीम जो है अच्छे से मिक्स हो जाए दूध में। तो ये ब्लेंड हो चुका। क्योंकि हम यहाँ पर दो फ्लेवर बना रहे हैं तो आधा आधा कर लेंगे। तो ये आधा मैंने दूध अलग बर्तन में निकाल लिया। अब इसको हमें देनी है चॉकलेट फ्लेवर, तो इसके लिए चाहिए चॉकलेट पाउडर। 3 छोटे चम्मच चॉकलेट पाउडर ऐड कर दिया और 1 छोटा चम्मच कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं। अगर आपको ज़्यादा डार्क कलर चाहिए आइसक्रीम का तो यहाँ पर आप फूड कलर भी ऐड कर सकते हो, या फिर कोको पाउडर की क्वांटिटी बढ़ा दें तो आपको जो कलर है चॉकलेट फ्लेवर का वो डार्क मिलेगा। फिर से ब्लेंड करके इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब लेंगे हम एक कंटेनर जिसमें आइसक्रीम हमें जमानी है। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए डे और नाइट आइसक्रीम का तो कंटेनर की जो साइज़ है लेंथ में बड़ी ले तो इसकी इफ़ेक्ट अच्छी आएगी। अब जो दूसरी फ्लेवर हमने वेनिला फ्लेवर रखी है, इसको इस तरह से कॉर्नर में थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दें। बिल्कुल हिलाना नहीं है आपको पूरा आइसक्रीम, बस इसी तरह से पूरा फिल कर दें। और कंटेनर को आराम से हम फ्रीज़र में सेट करने रख देंगे करीब 8 से 10 घंटे। कुछ कुल्फी मॉल में भी मैं इसको जमा रही हूँ। इसमें भी मैंने वाइट और चॉकलेट दोनों फ्लेवर ऐड कर दिया और इसको भी हम सेट करने रख देंगे। तो आफ्टर 8 आवर आप देख सकते हो ये अच्छे से जम चुकी है आइसक्रीम। चलिए इसको हम अनमोल करें। क्योंकि ये डबल कलर में बनाई, मैं स्कूप यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसको इस तरह से निकालेंगे हम ताकि इसके कलर्स दिखा सकूँ मैं। 2 लेयर आप देख सकते हो, ये ऊपर का हल्का सा वाइट है, नीचे का ब्राउन। मैंने पहले ही बताया अगर ज़्यादा डार्क कलर चाहिए तो आप कोको पाउडर और ऐड कर दे तो ये 2 लेयर है अच्छे से दिखेगी आपको। तो रेडी है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई हुई है आइसक्रीम। इसमें मैंने कोई स्टेबलाइज़र यूज़ नहीं किया है तो ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। अगर आप स्टेबलाइज़र कोई यूज़ कर रहे हो तो ये और भी रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा आपको। तो फिर से कोई नई आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आऊँगी मैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको अच्छी लगे रेसिपी तो शेयर करना ना भूलें और प्रेस द लाइक बटन इफ़ यू लाइक। थैंक यू।